Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine and enjoying good health. We are discussing chapter number 1 from your second year chemistry book. Name of the chapter is Periodic Classification of Elements and Periodicity. Here I am going to start lecture number 5 from this chapter. Only one topic will be discussed in detail, that is Mendeleev's periodic law and periodic table. First of all, we have some introduction about the scientist whose name is Mendeleev. He was a Russian chemist. In 1871, he gave a more useful and comprehensive scheme for the classification of elements. 1871 में उसने एक law दिया जिसको हम Mendeleev's periodic law कहते हैं और इस law के under उसने elements को एक table की form में useful way में arrange किया और आज के topic में हमने Mendeleev's periodic law और फिर उसके रिजल्ट में जो Mendeleev's periodic table बना उसको हमने डिटेल में डिस्कस करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ Mendeleev's periodic law। अब दो तरीके हैं जिस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। मीनिंग दोनों का सेम है लेकिन वर्ड जो है वो डिफरेंट है। फर्स्ट वे है दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मैसेस। अब यहाँ पे देखिए एक लफ्ज लिखा हुआ है पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन में एक ऐसा फंक्शन जो कि अपने आप को एक सर्टन इंटरवल के बाद रिपीट करता है उसको हम पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। यानी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज उस वक्त जब हम उनको अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मैसेस उनकी प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं एक सर्टन इंटरवल के बाद। तो इसी पॉइंट को बेस बना के एलिमेंट्स को अरेंज किया Mendeleev ने और उसके बाद इसी से ही एक उसने टेबल बनाया जिसको हम Mendeleev's पीरियोडिक टेबल कहते हैं। सेकेंड वे जिसमें हम Mendeleev's periodic law को डिफाइन कर सकते हैं दैट इज केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स रिपीट पीरियोडिकली व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। अब यहाँ पे एक लफ्ज लिखा हुआ है पीरियोडिकली। अब पीरियोडिकली और पीरियोडिक फंक्शन तकरीबन एक ही सेंस में यहाँ पे आए हैं। पीरियोडिकली में ऐसी प्रॉपर्टी जो अपने आप को रिपीट करती है आफ्टर अ सर्टन इंटरवल। एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अपने आप को एक खास इंटरवल के बाद रिपीट करती हैं जब हम उन एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के लिहाज से अरेंज करते हैं। अब ही प्रेजेंटेड द फर्स्ट रेगुलर पीरियोडिक टेबल। यानी इससे पहले जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने जब एलिमेंट्स को अरेंज किया तो किसी ने ट्राइएड्स बनाए किसी ने ऑक्टेव्स बनाए लेकिन Mendeleev फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने एक प्रॉपर रेगुलर टेबल बना के एलिमेंट्स को उसके अंदर अरेंज किया। तो ये एक बहुत बड़ा इसकी तरफ से कंट्रीब्यूशन है। एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज वर अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। यानी जब एक टेबल बना तो टेबल के अंदर कुछ कॉलम थे कुछ रोज थे। इसने फर्स्ट टाइम रोज बनाए जिनको हम पीरियड्स कहते हैं और कॉलम्स बनाए जिनको हम कॉलम्स को हम ग्रुप्स कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए दिस इज अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स जो कि Mendeleev ने किया। अब यहाँ पे देखें फर्स्ट यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यानी हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ ज्यादा प्रॉपर्टीज शेयर नहीं करता सिमिलर प्रॉपर्टीज शेयर नहीं करता। फिर अब यहाँ पे देखें तो ये दूसरा ग्रुप है। यहाँ पे उसने कुछ एलिमेंट्स को रखा ये यहाँ पे दिख रहे हैं आपको बेरिलियम बोरोन कार्बन वगैरह। इसी तरह से एक जो है ग्रुप उसने यहाँ पे ये बनाया। इसी तरह ये आगे फर्दर आप देखते जाएंगे सारे के सारे उसने ग्रुपिंग की और उसको उस वक्त वो एलिमेंट जो कि सिमिलर प्रॉपर्टीज के लगे उसने उनको एक ही ग्रुप में रख दिया। अगर आप नोट करें तो इस अरेंजमेंट के अंदर कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इस क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि उस वक्त इन एलिमेंट्स जो जो एलिमेंट्स इस जगह पे होने चाहिए उन एलिमेंट्स का साइंटिस्ट को पता नहीं था लेकिन उसको इतना श्योर था कि यहाँ कोई ना कोई एलिमेंट जरूर होगा और उसकी ये प्रॉपर्टीज होंगी जो कि इन बाकियों की प्रॉपर्टीज इन बाकियों की हैं। तो इस जगह पे उसने क्वेश्चन मार्क लगा दिया या फिर उसने वहां पे वेकेंट स्पेस जो है वो छोड़ दी। अगर हम एलिमेंट्स के इसी अरेंजमेंट को टेबल की फॉर्म में देखें तो हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। यानी Mendeleev ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया उसमें ये फर्स्ट ग्रुप है ये सेकेंड है ये थर्ड है ये फोर है ये फाइव है ये सिक्स है और ये सेवन और ये जो एट है ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। अब उसने अपनी सेंस के अकॉर्डिंग जो एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टीज रखते थे उनको कहाँ रखा उनको यहाँ एक ग्रुप में रखा। फिर जो दूसरा एक ग्रुप उसने बनाया जिसमें उन एलिमेंट्स को रखा जिनकी आपस में ये सिमिलर प्रॉपर्टीज थी वो के कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स अंदर प्रेजेंट हैं जो बाद में
रिमूव कर दिया गया, लेकिन जो पीरियोडिक टेबल फर्स्ट टाइम बना वो मेंडलीव ने ही बनाया। अब यहाँ देखें आपको ये खाली स्पेस नजर आ रही है, यहाँ पे देखें यहाँ पे खाली स्पेस आपको नजर आ रही है। अब ये जो ग्रुप है कार्बन सिलिकॉन, अब ये जो खाली स्पेस है बाद में यहाँ पे एक जर्मेनियम एक जो एलिमेंट होता है वो डिस्कवर हुआ। अब उस वक्त मेंडलीव को पता नहीं था कि यहाँ पे जर्मेनियम आना चाहिए, लेकिन इवन देन उसको पता था कि जो भी एलिमेंट यहाँ पे आएगा उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, तो उसने प्रिडिक्ट की प्रॉपर्टीज ऑफ सम एलिमेंट जो कि उस वक्त वहाँ पे डिस्कवर नहीं हुए थे। इसके अलावा इस पीरियोडिक टेबल में कुछ और भी मसाइल थे जिनमें से एक यहाँ पे देखें, अगर हम ये कहते हैं कि एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, तो यहाँ कोबाल्ट का कितना है 58.9 और निकल का कितना है 58.7, तो निकल को पहले आना चाहिए और कोबाल्ट को बाद में आना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे भी आप देखें एक ग्रुप ऐसा है जिसमें ये टी लिखा है टेलोरियम, इसको 128 है और ये आयोडीन 127 है, तो 128 पहले नहीं आ सकता 127 से, लेकिन मेंडलीव ने इसलिए रखा कि आयोडीन की इस ग्रुप में प्रॉपर्टीज जो है वो सिमिलर हो रही थी और टेलोरियम की इस ग्रुप में हो रही थी। तो ये छोटे छोटे कुछ मसाइल थे जो उस वक्त मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बनाते हुए मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में मौजूद थे, लेकिन बाद में इन प्रॉब्लम्स को रिमूव करके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बनाया गया है उसमें इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम देखते हैं कि ये जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बना इसके कुछ सेलियंट फीचर्स क्या थे। सबसे पहला पॉइंट है कि वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप, उसने इनको ग्रुप्स कहा, और जो हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ द टेबल वर कॉल्ड पीरियड। अब दोबारा यहाँ पे ये टेबल देखें, ये वाले जो ये हमारे पास वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, ये सारे के सारे वर्टिकल कॉलम, इनको ग्रुप का नाम दिया उसने, उसके ऊपर उसने ग्रुप नंबर भी लिखा हुआ है 1, 2, 3। और जो हॉरिजॉन्टल रोज है यानी कि इस डायरेक्शन में जो रोज होती है इसको हम हॉरिजॉन्टल रोज कहते हैं, ये भी है और यहाँ पे देखें ये भी है, ये सारी की सारी रोज क्या कहलाती हैं, ये पीरियड्स कहलाती हैं, और जो ये वाले हैं कॉलम्स इनको हम कहते हैं कि दीज आर द ग्रुप्स। अब सेकंड पॉइंट देखें, द अरेंजमेंट वाज डन अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मैसेस, यानी जो एलिमेंट का अरेंजमेंट है उसकी बेस क्या थी, क्या असेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए उनके एटॉमिक मैसेस का। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे देखें सबसे पहले हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक मैस कितना है 1, उसके बाद देखें लिथियम में उसका कितना है 6, बेरिलियम का कितना है 9, फिर बोरोन का कितना है 8। आप नोट करें तो जब इधर एलिमेंट्स को इस साइड पे अरेंज किया जा रहा है तो आगे जाते हुए हमेशा जो एटॉमिक वेट है वो इंक्रीज कर रहा है, सिर्फ एक दो जगहों के अलावा जो कि डिफेक्ट है मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में, अदरवाइज बाकी हर एलिमेंट के लिए असेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का और ये असेंडिंग ऑर्डर है इनके एटॉमिक मैसेज का। अब सम गैप्स वर लेफ्ट इन दिस टेबल फॉर एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स के लिए गैप्स रखे गए, अगेन वही पीरियोडिक टेबल मैं आपके लिए यहाँ पे शो कर रही हूँ। अब यहाँ पे देखें कि गैप है, एक यहाँ पे गैप छोड़ दिया गया क्योंकि उस वक्त यहाँ पे कोई एलिमेंट ऐसा नहीं मिला जो कि ऊपर वाले इन एलिमेंट्स और इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज से रिजेंबल करता था। अब इसी तरह देखें यहाँ पे भी एक गैप है, यहाँ पे भी एक गैप है, तो कुछ गैप छोड़ दिए मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में क्योंकि उस वक्त उसको पता नहीं था कि यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स आने चाहिए, लेकिन इवन दैट उसने प्रिडिक्ट कर दिया कि जो भी एलिमेंट्स यहाँ पे आएंगे उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या होंगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फर्ज करें, मैंने अभी आपको प्रीवियस किसी स्लाइड पे बताया कि जर्मेनियम आया बाद में, तो जर्मेनियम के डिस्कवर होने से पहले मेंडलीव ने बता दिया कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। He found that elements having similar chemical properties appeared at regular intervals, जिसे हम periodicity कह रहे हैं, कि उसने बताया कि जब elements को हमने arrange किया ascending order of their atomic weight, तो हमेशा एक regular interval के बाद chemical properties वो elements अपने repeat करते हैं। He predicted properties of those elements which were yet to be discovered, जो अभी discover नहीं हुए थे उसने उनकी properties को भी बता दिया, predict कर दिया कि अगर वो डिस्कवर हुए तो उनकी ये प्रॉपर्टीज होंगी। ओके बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।